कुछ लोगों के लिए जमीन का टुकड़ा ही सब कुछ होता है और इसके लिए वो लोगों की जान लेने से भी दरेग नहीं करते, मगर यही जमीन उनके लिए मौत की खबर भी लाती है। जहालत की वजह से जमीन की मिल्कियत बाज दफा इतनी बड़ी लड़ाइयों का बायस बनती है कि उसकी वजह से कई लोग कत्ल हो जाते हैं। रावलपिंडी में भी जमीन की मिल्कियत पर दो गिरोहों के दरमियान इतनी दुश्मनी बढ़ी कि एक ही खानदान के तीन अफराद को कत्ल कर दिया गया। लाहौर में 1.5 साल मासूम बच्ची को अगवा कर लिया गया, मगर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 2 घंटों में बच्ची को बाजियाब करवा लिया। कराची में पड़ोसी को गैर इखलाकी हरकत से मना करने वाले शख्स पर तशद्दुद के बाद उसकी बीवी का बाजू तोड़ दिया गया और लाहौर की पुलिस ने एक गोदाम पर छापा मारकर 3,000 लीटर जहरीली शराब बरामद कर ली। जमीन की मिल्कियत पर लड़ाई झगड़ा कोई नई बात नहीं। रावलपिंडी में भी जमीन की वजह से होने वाली देरीना दुश्मनी पर मुखालफीन ने फायरिंग करके बाप बेटे समेत एक ही खानदान के 3 अफराद को कत्ल कर दिया। मुसल्ला अफराद फायरिंग करने के बाद बआसानी फरार हो गए। जमीन के तनाजे पर किसी भी मासूम शख्स को मौत के घाट उतार देना सूबे पंजाब समेत मुल्क भर में आम है और जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर शुरू होने वाले तनाजात सैकड़ों अफराद को निगल चुके हैं। रावलपिंडी शहर में भी जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए 3 मासूमों को कत्ल कर दिया गया। वर्षा के मुताबिक खानवेज नामी शख्स के साथ तवील अरसे से जारी कशीदगी की वजह भी जमीन थी, लेकिन जिरगे से मामला हल हुआ। मुखालिफीन ने रंजिश रखते हुए मरीड हसन के करीब 25 साल मुस्तफ़ा खान, 28 साल हबीब खान और इसके वालिद 56 साल अरशद जदून को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। मस्कीन, खनवेज और 2-3 बंदे अभी नामालूम है, चारों तरफ से फायरिंग की है जिनमें स्टेट गन वगैरह क्लैशनकोव और जदीद असला उनके पास था। जी हाँ जी, और उन्होंने तीनों को जो उनसे ना मौके पर ही कत्ल कर दिए। जिस बेस पे हमारा रजनामा हुआ था उस बेस को वो तोड़ के इधर आ गए हैं। हमने काफ़ी जिरगे वालों को भी कहा कि ये वापस आ गए हैं तो किसी ने हमारी सुनाई ना की, तो हम बार बार उनको कहते रहे कि ये हमारे पे वार करेंगे, हमारे भाई को, हमारे भाई पे इनको इनकी रंजिश है, वो भाई को कत्ल करना चाहते हैं। तो हमें, मैं अभी सोया हुआ था, मुझे फ़ोन आया कि उन्होंने मतलब कि आपके भाई को कत्ल कर दिया है। गम से निढाल वर्षा ने आला हुकाम से तहरे कत्ल में मुलव्वस अफराद को जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाने की अपील की है। उनके मुताबिक मुखालिफीन इससे कबल भी उनके 2 अफराद को कत्ल कर चुके हैं। 2 कत्ल अगे असन कर रहे ने, 1 साल 2 महीने 3 महीने हुए ने। जगह का तनाजा था वो जो उनसे नाल भी हो गया, तो वो सुलह भी होगी थी उसके बारे में, तो उन्होंने मुखालिफीन ने अपने दिल में रंजिश रखी है जिसकी वजह से उन्होंने फिर जुनसना हमारे तीनों भाइयों को जुनसना कत्ल कर दिया और बेनोई और बांजा और छोटे भाई को। थाना सिविल लाइंस की पुलिस ने 3 अफराद के बेहिमाना कत्ल का मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन ताहल मुलजिमान आज़ाद फिजाओं में घूम रहे हैं। पुलिस का कहना है कि कानून के मुताबिक जल्द कार्रवाई की जाएगी। ढोक चराग दीन फाटक के करीब कुछ 4-5 अफराद ने फायरिंग की है, उसकी ईजाद में आकर मोहम्मद अशरफ वालद मनसबदार, मुस्तफ़ा खान वालद अशरफ, हबीब उर्फ बिल्ला, ये मर्डर हुए हैं, कार्रवाई कर ले। अवामी हलकों का कहना है कि रावलपिंडी के ज़िला में गुज़श्ता 1 साल के दौरान 321 अफराद को बेदर्दी से कत्ल किया जा चुका है। ताहम अब देखना यह है कि रवां साल के आगाज़ में ही 3 अफराद के बेहिमाना कत्ल के बाद पुलिस क्या कार्रवाई करती है। कैमरामैन जुल्फ़िकार अली के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। पंजाब में मासूम बच्चों के अगवा के वाकयात में इजाफा हो रहा है। अगवा के बाद ज्यादातर मासूम बच्चों की लाशें ही मिलती हैं और मकतूलीन के वर्सा उसका जिम्मेदार पुलिस को ठहराते हैं। लाहौर में भी 1.5 साल मासूम बच्ची को अगवा कर लिया गया
मगर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 2 घंटों में बच्ची को बाजियाब करवा के मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर के इलाके हंजरवाल के रहायशी पुलिस कांस्टेबल जमशेद की 1.5 साल बेटी सालेहा खेलती हुई घर के दरवाजे पर चली गई और वहां से पूरी सरार तौर पर गायब हो गई। घर वाले उसे तलाश करते रहे मगर बच्ची का कुछ पता ना चल सका। इत्तला मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। जब पूछताछ शुरू हुई तो चंद बच्चों ने पुलिस को बताया कि इलाके का चौकीदार अमीर अमान जमशेद की बेटी सालेहा के पास खड़ा था। पुलिस ने फौरी तौर पर अमीर अमान के घर छापा मारकर उसे गिरफ्तार करके पूछताछ की तो उसने बच्ची के बारे में लाइल्मी का इजहार किया, मगर जब उससे रवायती अंदाज में पूछताछ की गई तो उसने इंकशाफ किया कि उसने बच्ची को अगवा किया है और वो उसके साथी के पास है। पुलिस ने मुलजम की निशानदेही पर छापा मारकर उसके साथी अब्बास को गिरफ्तार किया और बच्ची को बाजियाब करवा लिया। शक कैसे हुआ कि ये दरवाजे के पास खड़े थे ये हाँ पठान, तो जब बच्ची भी उधर ही खड़ी थी तो जब वालदा अंदर गई तो वापस आके देखा ना पठान है ना बच्ची है। किसी ने हमें बताया कि इधर पठान खड़ा था, जब पठान को हमने पकड़ा और उसे पकड़ा तो उसने बोला बच्ची मेरे पास नहीं, तो उस बोलने पे हमें शक हुआ है कि हमने तो उसे पूछा भी नहीं बच्ची के बारे में और ये खुद ही कह रहा बच्ची मेरे पास नहीं। तो पठान ने फड़िया तो उन्होंने पुलिस के हवाले किया, पुलिस वाले ने बर वक्त कार्रवाई कर दिया, मैंने बाजियाब कराया तो मैंने बड़ी खुशी हुई है, तो मैं बहुत खुश हूँ। पुलिस ने चौकीदार अमीर अमान और उसके साथी अब्बास के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मुलजमान से तफ्तीश की जा रही है कि इस घनौने जुर्म में और कौन लोग शामिल हैं और इससे पहले वो कितने बच्चों को अगवा कर चुके हैं। बच्ची के वालिद ने मनफर पे कॉल की थी तो कॉल पे हम पहुंचे हैं तो उन्होंने बतलाया कि हमारी बच्ची बाहर गली में खड़ी थी तो इधर से कोई उठा के ले गया, तो मोहल्ले के बच्चों ने बताया कि शायद इधर एक पठान रहता है वो ले गया, वो पठान को तलाश करते पहुंचे, पठान को गिरफ्तार किया तो उसने बोलते ही कहा मैंने बच्ची नहीं उठाई। मज़ीद तफ्तीश दौरान तफ्तीश पता चला कि वो बच्ची घर लेके गया था, फिर उधर से आगे छोड़ आया, जब उस शोर डला कि बच्ची ये ले गया लोगों को पता चला तो बच्ची आगे छोड़ आया किसी प्लाट में, उधर से जाके बच्ची को रिकवर किया, इसकी निशानदेही पे मज़ीद तफ्तीश जारी है। मखवी बच्ची के वर्षा और अहले इलाका ने पुलिस हुकाम से मुतालबा किया है कि मुलजमों को जल्द अज जल्द कैफे करदार तक पहुंचाया जाए और उनके दीगर साथियों का सुराग लगाकर उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए। कैमरामैन इशफाक बासी के साथ आमिर शहजाद समा लाहौर। शख्स बुराई के खिलाफ आवाज बुलंद करता है तो अपने बेगाने उसका साथ छोड़ जाते हैं। कराची में भी अपने पड़ोसी को गैर इखलाकी हरकत से मना करने वाले शख्स के घर पर मुलजिमान ने हमला करके उसकी बीवी का बाजू तोड़ दिया। कराची की सड़क पर अपनी बीवी और 2 मासूम बेटियों समेत खाना बदोशों की सी जिंदगी गुजारने वाला ये शख्स मोहम्मद हनीफ है, जो कल तक अपने घर में बीवी बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन मुआशरती बुराई के खिलाफ आवाज उठाना इसकी जिंदगी का डरावना ख्वाब साबित हुआ। मोहम्मद हनीफ कराची के इलाके औरंगी टाउन न्यू मियांवाली कॉलोनी में गुज़श्ता 27 साल से रिहायश पजीर था। चंद साल कबल इसने अपना एक प्लॉट फरोख्त किया था, दूसरे में खुद रहने लगा था, जिसके पैसे भी उसे पूरे ना मिले बल्कि पुलिस मिली भगत से उसके पैसे भी खा गई। अपने प्लाट पर घर तामीर करने के कुछ अरसे बाद इसे महसूस हुआ कि इससे प्लाट लेने वालों के घर में मशकूक सरगर्मियां जारी हैं और बाहर से भी इस घर में आने जाने वाले अफराद गैर इखलाकी हरकत के मुर्तकिब हो रहे हैं। मोहम्मद हनीफ से ये बात बर्दाश्त न हो सकी और इसने इस बुराई के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया, लेकिन ये काम इसे इंतहाई महंगा पड़ा। इसने पुलिस की मदद हासिल करने की भी कोशिश की लेकिन इसे कुछ हासिल न हुआ और इसी बादाश में इसके पड़ोसी ने इसके घर पर हमला करके न सिर्फ इसे और उसकी अहलिया को तशद्दुद का निशाना बनाया बल्कि इसकी बीवी का बाजू भी तोड़ दिया। इस दौरान मुलजमान की जानिब से उसके घर पर फायरिंग भी की गई। मेरी बीवी बैठी हुई थी, मेरी बच्ची थी, मैं भी था, मेरी बीवी को पकड़ पकड़ के जो ना उन्होंने बाजू तोड़ दिया मार मार के, मेरे को यहाँ जख्मी किया, इधर चोटें लग गई, अंदरूनी भी चोटें लग गई। ऊपर बैठी हुई थी अपने मकान में, दीवार झांक के वो लोग आए हैं,
दो के पास पिस्टल थे, बशीर के पास ते अताउल के पास, वो जो और आदमी थे ना उनके पास डंडे थे, उन लोगों का आगे मेरे को डंडे से मारा है, मेरी हड्डी भी टूट गई है, ये बहुत गहरा जख्म है, वो और धमकियाँ भी दे रहे हैं, घर भी उन लोगों ने छुड़वा दिया, मैं बहन के घर पे रह रही हूँ। पड़ोसी की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाए जाने के बाद जब ये मजलूम खानदान थाने पहुंचा तो पुलिस ने भी बेहसी का मुजाहरा करते हुए इनसे रिश्वत तलब की, जिसके बाद मियां बीवी अस्पताल पहुंचे तो वहां भी इनकी कोई दादरसी ना हुई और अब तक ये खानदान सरकारी अस्पताल से तिब्बी इमदाद के लिए भी तरस रहा है। यहाँ तक के पीराबाद थाने ने इसकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की। वाकये के बाद मोहम्मद हनीफ इतना खौफ ज्यादा हुआ कि वो अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गया। मुलजिमान अब भी इसे उसकी दो मासूम बेटियों अमरीन और समरीन को अगवा करने की धमकियां दे रहे हैं। वो मुझे धमकी दे रहे हैं, अगर तुम घर में तुम्हें देख लिया तो हम तुम्हारे बच्चों को भी अगवा कर लेंगे और दोबारा तुझे भी गोली मार देंगे, तुम्हारे आगे पीछे कोई भी नहीं है, हमने पहले भी तुम लोगों के पैसे खा गए, तुम्हारे खिलाफ कोई तुम्हारे साथी नहीं है, मोहल्ले वाले क्या कुछ करेंगे, पुलिस भी उनके साथ हैं और पुलिस वालों को वो पैसे खिला रहे हैं। मोहम्मद हनीफ का कहना है कि मुलजमान ने उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद संगीन नताइज की धमकियां दी हैं और अब उसे खौफ है कि कहीं उसे जान से ही ना मार दिया जाए। ये बहुत जान जना मेरे खतरे में है, मैं पूरे पूरे रात जो ना बाहर गुजार देता हूँ, कभी पार्क में गुजार देता हूँ, मोहल्ले वाले मुझे फोन करते हैं तब जो ना मैं जाता हूँ घर पे। उसने आला हुकाम से अपील की है कि मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन्हें इंसाफ और तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। मेरी तो अपील है इन आवाम से, जिम्मेदारों से, थाने वालों से, मेरे को तहफ्फुज़ दिलाया जाए, अगर मेरी कोई सुनता है तो मुझे जान भी मेरी बचाई जाए, मेरे बच्चों का भी तहफ्फुज़ किया जाए, मुझे बहुत जान जना मेरे खतरे में है। इस वाक्य को कई रोज गुजर गए हैं मगर पुलिस की बेहसी की वजह से मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज ना हो सका और यह खानदान खौफ के आलम में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। कैमरामैन आमिर तरमजी के साथ सालिक शाह, समा, कराची। बुराई के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले अफराद हमेशा खतरे में घिरे रहते हैं मगर वो अपनी ईमानदारी की वजह से खामोश नहीं रहते। इसके साथ ही हम चलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब, आप समा के साथ रहिए।